अब घनश्याम जी, इन बातों का तो आप जवाब दीजिएगा कि देखिए, संगीत फोम तो आप ही के शासन काल में मुकदमा भी लगा, आप ही के शासन काल में क्वाश भी हो गया, अब आप ये बताइए, आप उधर इल्जाम लगा रहे हैं, और देखिए क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश जी फंस गए हैं कैराना जाकर। केवल कैराना ही नहीं, बल्कि अगर पूरे मेरठ रीजन की बात कर ले, जाटों के गढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार आपने उतार दिए, हम तो ये सुन रहे हैं कि अब उन उम्मीदवारों को उतार कर भी आप फेर बदल में फंसे हुए हैं, और इसलिए दूसरी लिस्ट आपकी बाहर नहीं आ पा रही है। देखिए, दो बातें कहूंगा। संगीत सोम को भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता का पैमाना बताने वाले सुधांशु जी अपनी ही पार्टी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरासत के साथ बहुत बड़ा बहुत बड़ी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। अलदुआ मीट प्रोसेसिंग प्लांट के फाउंडिंग डायरेक्टर रहे संगीत सोम, इनके ऊपर केवल रासुका नहीं लगा है, 148, 188, 353, सुधांशु जी बताइए इसमें से कोई कुछ मैंने गलत कहा हो संगीत सोम के ऊपर, तो 148, 353, 147, 341, 323, 295, 188, 420, 420 का मुकदमा लगा है, 120B। ऐसे लोगों को सुधांशु जी के सरीखे पढ़े लिखे प्रवक्ता अगर डिफेंड करें तो भारतीय जनता पार्टी के नैतिक पतन का उदाहरण दिखाई देता है। जहां तक आदित्यनाथ की बात है, आदित्यनाथ के ऊपर केवल वो राजनीतिक चार्जेस नहीं लगे हैं, अगर आप उनके चार्जेस खंगालेंगे, या केशव प्रसाद मौर्य, ये बताइए 302 कौन सी राजनीति से प्रेरित होकर लगा हुआ था उनके ऊपर? आप उनको डिफेंड करने आए हैं, आप ये बता दीजिए 302 उनके ऊपर क्यों लगा था, या आपके जिन मंत्रियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है कौन सी राजनीति से प्रेरित होकर लगा है? ये सिर्फ कहना है, ये एक व्हाइट वॉश है, ये कहना कि सभी के ऊपर राजनीति से प्रेरित होकर के चार्जेस लगे थे, जो कैरावैन मैगजीन ने जनवरी 2022 को आदित्यनाथ जी का बाकायदा जो बयान छापा है, क्या आपकी सरकार में किसी ने भी इसका विरोध दर्ज किया? किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं ये सच बयान है। अगर जो लोग दंगाई हैं उनका इतिहास सबके सामने है, उनके बयान छापे जाते हैं, उस समय आप विरोध दर्ज नहीं कराते हैं, और सिर्फ ये कह देना कि संगीत सोम जो है वो आपकी स्वच्छ राजनीति का पैमाना है, आदित्यनाथ आपकी सबका साथ सबका विकास का पैमाना है, और केशव प्रसाद मौर्य पाक साफ स्वच्छ छवि के नेतृत्व में। मैं फिर ये कहती हूं कि आप ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आप लगा रहे हैं, जिसका जवाब सुधांशु जी देंगे, लेकिन इस बार फिर आप मेरे सवाल को टाल गए। मेरठ रीजन में आखिर ऐसी क्या विचलित आप लोग हो गए हैं जो आरोप लग रहा है? अब देखिए, अवतार सिंह भड़ाना भी कभी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जरा उन सवालों पर भी तो आइए। देखिए, ये तो राजनीतिक चर्चा है, समय समय पर जिस पार्टी के, सोचिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री, हर कोई ये पत्र लिख के गया है कि ये पार्टी दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। टूट के तमाम नाम आ गए, फिर वो गिनती कराना शुरू कर देंगे सुधांशु जी। आप गिनाने दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कद्दावर मंत्री जो ये कह के जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं कहीं राजनीति एक परफेक्ट स्पेस नहीं है। कहीं कहीं कोई इनकी पार्टी से आएगा, कहेगा हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, किसी कैंडिडेट को ये लोग बदनाम करेंगे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इनके ऐसे 5 मंत्री हैं जिनके ऊपर नाहिद हसन से ज्यादा संगीन मुकदमे लगे हुए हैं, जिनको ये स्वच्छ राजनीति का पैमाना बताते हैं। अब किसके दाग ज्यादा हरे हैं, जरा ये आप बता दीजिए सुधांशु जी, क्योंकि आप इन पर आरोप लगाते हैं, ये आप पर आरोप लगाते हैं। मीनाक्षी जी, मैंने कोई बात हवा में नहीं बताया, घनश्याम तिवारी जी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, इसीलिए जब वो सपा को डिफेंड करते हैं तो आत्मिक कष्ट भी होता है। देखिए, वो एक भी व्यक्ति का नाम नहीं ले पाए जिस पर राजसपा ने सस्टेन करवा, इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से लेकर के बार बार कोट किसको कर रहे हैं, कारवा मैगजीन। कारवा मैगजीन की आपको ख्याति पता है कि असीमानंद का जेल में जाके इंटरव्यू ले लिया गया, और उसके आधार के ऊपर भारत के इतिहास का इकलौता केस था समझौता एक्सप्रेस, जिसमें पहले यू जा रही थी एजेंसी और यू टर्न ले लिया, केवल जेल में गए उस स्टेटमेंट पे, और जब कारवा से पूछा गया जेल में जाके निरुद्ध आरोपी का इंटरव्यू कैसे ले लिया, तो जवाब नहीं दे पाई। ऐसी शानदार मैगजीन का ये उदाहरण है जो जेल में निरुद्ध व्यक्ति के पास जाकर इंटरव्यू भी लेके चली जाए, और फिर मैं कह रहा हूं उसमें से एक केस बताइए जिसकी चार्जशीट फाइल कर पाए, जितने तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केस किसी की चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए 2006 से लेकर 2014 तक, एक भी केस प्रूफ बन होना तो दूर है, चार्जेस नहीं फ्रेम करवा पाए कोर्ट में, ये इस बात का प्रमाण है कि ये किस प्रकार के अपराधियों को साथ देते हैं। और दूसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं भाई, मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? क्योंकि एक बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले
लोगों के विरुद्ध जब उसके परिवार ने शिकायत की और उस अपराधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ तो आजम खान का फोन आ गया, चलो छूट जाता वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन सुधांशु जी बेटी के घर वालों पे मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन सुधांशु जी इसीलिए हुआ, समाजवादी पार्टी आरोप ये लगाती है, अखिलेश यादव के भी कई बयान हमने सुन लिए, वो ये कहती है कि जब जब दंगे होते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो दंगे करवाने वाला फायदा आप उठाते हैं, एक तरीके से परोक्ष रूप से उन्होंने आप ही पर आरोप लगा दिया। देखिए सबसे ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए पिछले 30-32 साल में, अखिलेश जी के शासनकाल में कोसी कला से शुरू होकर मऊ के दंगे का वो दृश्य लोग को नहीं याद है, खुली जीप में मुख्तार अंसारी घूम रहे, बताइए ऐसा कभी हो सकता है कि जिसके ऊपर दंगे का आरोप, पुलिस आगे पीछे चल रही है और वो खुली जीप में घूम रहे हैं, वो फोटो लोगों को याद है। फिर वहां से चाहे बहराइच हो, चाहे तत्कालीन इलाहाबाद का दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, और मुलायम सिंह जी के शासनकाल में 1990 में उत्तर प्रदेश के 43 जिले कर्फ्यू में थे, 43 जिले जो आज तक कभी नहीं रहे हैं। अब दंगे पे गौर जवाब देता हूं, चलिए मीनाक्षी जी ये हम पे आरोप लगाते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम दंगे को लेकर, ये बताइए लखनऊ में शिया सुन्नी दंगा होता था, 79 के बाद शियाओं के ऊपर रोक लगा दी गई कि आप मुहर्रम में अपना अजादारी मदे साहबा का जुलूस नहीं निकाल सकते, और 20 साल तक रोक लगी रही, जब हमारी सरकार आई कल्याण सिंह जी के दौर में निकालने की परमिशन हुई और फिर दोनों का निकलता रहा, शिया सुन्नी दोनों का शांति से। अब ये बताइए क्या आप ये कहेंगे शिया सुन्नी के दंगे भी हम करवा रहे थे, वो भी अंग्रेजों के जमाने से हम करवा रहे थे। आप देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे ही नहीं हुए, शिया सुन्नी में कोई मतभेद नहीं हुआ, ये मुहर्रम अली के ऊपर किस बात का आरोप है, गुरुद्वारे में जाकर दंगा फैलाने का ना, सिख मुस्लिम दंगा, वो भी कोई नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ईमानदारी से सभी प्रकार के समुदायों के बीच सौहार्द और अनुशासन बना रहता है, और इनके जमाने में आते हैं तो मैंने बोला शिया सुन्नी से लेके और सिखों और मुस्लिमों तक पे दंगे होने लगते हैं और फिर आकर यह डिफेंड करने का प्रयास करते हैं तो ये चल नहीं सकता। आपने तो जिन लोगों पर डकैती के घोषित आरोप थे उनसे भी आपने केसेस विड्रॉ किए हैं, अपराधियों से किए हैं, आतंकवादियों से किए हैं, अब बताइए ये कह रहे बटाला उस एनकाउंटर के बारे में ये जांच करवाई, ये जाते थे आजमगढ़ के संजरपुर में बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के आगे सजदा कर रहे, उसी आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर है जो भारत की आजादी के बाद सेना के फर्स्ट गारंटी अवार्ड विनर थे, उसमें कोई नहीं जाता इंडिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपराध के साथ जो समाजवादी पार्टी का संबंध है वो चोली दामन का साथ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।